फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बेसन मिल्क केक की रेसिपी। ये बिल्कुल झटपट से बन जाता है और घर में रखी चीज़ों से बन जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। गैस ऑन करेंगे, पैन रखेंगे, पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, 4 से 5 बड़े चम्मच घी ऐड कर लेंगे। घी अगर आपको कम लगे तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। घी को अच्छे से गरम होने देंगे। घी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 कप बेसन। गैस का फ्लेम बिल्कुल कम पे कर लेंगे और बेसन को लगातार चलाते हुए करीब 10 से 12 मिनट हमें लो फ्लेम पे ही भूनना है ताकि अच्छे से इसका कच्चापन निकल जाए। कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बर्फ़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बेसन को ऐसे प्रेस कर करके भूनेंगे तो बेसन थोड़ा सा जल्दी भून जाता है। अभी बेसन ने सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया है, ये जैसे जैसे भूनता जाएगा घी रिलीज करने लग जाएगा। बेसन को भूनते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे बेसन थोड़ा सा घी रिलीज करने लग गया है, तो मुझे अब नहीं लग रहा है कि इसमें घी और ऐड करने की ज़रूरत है। अगर आपको पसंद हो तो थोड़ा बहुत घी और ऐड कर सकते हैं। अभी 5 से 6 मिनट इसे और भूनेंगे लो फ्लेम पे। बेसन हमारा अच्छे से भून चुका है, आप देख पा रहे होंगे इसका कलर काफ़ी अच्छा आ गया है, काफ़ी अच्छी खुशबू आने लग गई है और बेसन का मिश्रण काफ़ी लिक्विडी हो चुका है। तो गैस को इस टाइम पे ऑफ कर लेंगे और 2 से 3 मिनट बेसन को उलट पलट करते हुए ऐसे ही ठंडा करेंगे, क्योंकि पैन अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो जल सकता है। अब इस टाइम पे हम ऐड करेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर, थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर रखा है। इस टाइप से प्रेस कर करके मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़े। थोड़ी बहुत अगर इसमें गुठलियाँ पड़ भी जाएंगी तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब इसमें हम शुगर सिरप ऐड करेंगे तो सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे बेसन और मिल्क पाउडर को ऐसे प्रेस कर करके, जितना हो पाएगा गुठलियाँ को हम ख़त्म करेंगे इसमें से। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है बेसन और मिल्क पाउडर को, उतार के एक साइड में रख लेंगे। और चलिए शुगर सिरप की तैयारी कर लेते हैं। 1/2 कप चीनी लेंगे, 1/2 कप पानी ऐड करेंगे, गैस ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे ही रखेंगे। चीनी को अच्छे से घुलने देंगे। चीनी अच्छे से घुल चुकी है, चाशनी हमें चिपचिपी और गाढ़ी सी तैयार करनी है तो बीच बीच में चेक करते रहेंगे। फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। चाशनी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा चम्मच में लेंगे, ठंडा होने देंगे, चेक कर लेते हैं चाशनी। ऐसे उंगली में लेंगे, ऐसे चिपका के देखिए उंगलियों को, आप देख पा रहे होंगे चाशनी अच्छे से गाढ़ा हो गया है, चिपचिपा सा हो गया है। तो गैस को ऑफ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बेसन वाला पैन ले लिया है, 1/2 चाशनी रखेंगे, पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। प्रेस करते हुए मिक्स करेंगे ताकि जो भी गुठलियाँ हैं वो ब्रेक हो जाएंगी। बाकी का चाशनी भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिश्रण को। चाशनी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल कम पे रखेंगे और लगातार चलाते हुए अच्छे से गाढ़ा होने और पैन छोड़ने तक मिश्रण को पकाएंगे। आप देख पा रहे होंगे बर्फ़ी का मिश्रण गाढ़ा होके पैन भी छोड़ने लग गया है, बस कुछ देर और पका लेंगे। बर्फ़ी का जो मिश्रण है अच्छे से तैयार हो चुका है सेट करने के लिए, पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है? तो छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। एक प्लेट में थोड़ा सा मिश्रण रखेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। इस बीच में लो फ्लेम पे ही मिश्रण को उलट पलट करते रहेंगे। चेक कर लेते हैं, ऐसे इकट्ठा करके गोली बना के देखेंगे।
आप देख पा रहे होंगे गोली अच्छे से बन रहा है और मिश्रण हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो बर्फी सेट करने के लिए बिल्कुल रेडी है मिश्रण हमारा, तो गैस को कर लेंगे ऑफ। यहाँ पे मैंने केक टिन ले लिया और इसके अंदर मैंने इस टाइप से बटर पेपर सेट कर लिया है। बर्फी का मिश्रण ऐड कर लेंगे इसमें। स्पैचुला की हेल्प से चारों तरफ ऐसे सेट करते हुए बर्फी के मिश्रण को अच्छे से फैला देंगे टिन के अंदर, अच्छे से चिकना कर लेंगे ऊपर से। बर्फी के मिश्रण को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब जो भी गार्निशिंग के लिए हमें ड्राई फ्रूट यूज़ करना है इसी टाइम पे ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ बादाम ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता ऐड कर रही हूँ। स्पैचुला से अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि बर्फी के मिश्रण के साथ ये अच्छे से चिपक जाएगा। अब बर्फी के मिश्रण को हमें 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ना है रूम टेम्परेचर पे। अगर आपको जल्दी सेट करना है तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। हमारा बेसन मिल्क बर्फी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है, तो इसे चलिए डिमोल्ड करके कट कर लेते हैं। कट लगा लेते हैं। पीसेज आप अपने पसंद के अनुसार छोटा या बड़ा कट कर सकते हैं। मैं आपको पीसेज दिखाती हूँ निकाल के। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छे से सेट हुआ है, बिल्कुल मार्केट जैसा। सारे पीसेस बिल्कुल अच्छे से डिमोल्ड हो पा रहा है। मैं तोड़ के दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है, जैसे मार्केट का होता है ना बर्फी, बिल्कुल वैसे ही बना है। तो बेसन मिल्क पाउडर की ये बर्फी आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।